हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, जिसमें आज भी कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला। बाजार लगातार ऊपर जा रहा है और शेयर वहीं की वहीं घूम रहा है। फ्रेंड्स, 18 रुपीज़ 25 पैसे पर आज क्लोजिंग दी, जो कि 0.5% आधा परसेंट से शेयर में आज तेजी देखने को मिली। और अगर एमओ ऑर्डर की बात करें तो 39,000 शेयर्स की बाइंग के लिए एमओ लगी हुई है 39,000 शेयर्स की। फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको काफ़ी अच्छे अच्छे शेयर्स दिए हैं, जिसमें आपने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया भी होगा। शेयर में जो वीडियो डालता हूँ, मैं बहुत कम वीडियो डालता हूँ, और उसमें जो शेयर में तेज़ी होती है या जो शेयर रॉकेट होते हैं, ऐसे ही शेयर डालने की मैं कोशिश करता हूँ। आपने वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ ये शेयर अगर लिया होगा तो आप अच्छे प्रॉफिट में होंगे। मैंने आपको रेमेडियम लाइफ केयर दिया, रेम लाइफ, उसके बारे में मैंने 3 दिन से मैं आपको जो है रिकमेंड कर रहा हूँ या उसके बारे में कवर कर रहा हूँ। इसको आप स्टडी करके आप बाय कीजिए, देखिए कितना शानदार प्रॉफिट वो शेयर दे रहा है। अभी भी वो शेयर ऊपर जा सकता है। सालासर टेक्नो में भी आज अपर सर्किट लगा। मैंने कहा था, कल वीडियो बना के परसों भी बनाया था, कि सालासर टेक्नो में मंडे को अपर सर्किट लगेगा। तो आपने अगर सालासर टेक्नो में ध्यान दिया होगा तो आपको आज भी अच्छा फ़ायदा हुआ होगा। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि, और अभी भी जैसे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ है, रेमेडियम लाइफ केयर है, और एक पेनी स्टॉक है MIC माइक इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी काफ़ी अच्छा जाने की गुंजाइश है। उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जर बनाने का भी काम किया। ऐसे काफ़ी अच्छे अच्छे शेयर्स मैंने आपको दिए हैं। आप वीडियो अगर ध्यान से देखते होंगे तो आपको अच्छा फ़ायदा हो रहा होगा। तो ब्राइटकॉम ग्रुप के वीडियो के अलावा बाकी भी वीडियो 3-4 जो मैं डालता हूँ, ज़्यादा डालता नहीं हूँ, मुझे टाइम भी नहीं होता इतना ज़्यादा वीडियो कवर करने के लिए, तो आपको अच्छा फ़ायदा हो रहा होगा। फ्रेंड्स, NSE और BSE मिलाकर आज बहुत ही ज़्यादा कम वॉल्यूम हुआ, 1,27,00,000 शेयर्स का वॉल्यूम हुआ, जो कि काफ़ी कम हुआ है, और डिलीवरी परसेंटेज भी 42% हुआ है। तो ठीक है, जब तक अभी कोई बड़ी न्यूज़ आती नहीं है, थोड़ा सा शेयर साइडवेज रहेगा, वही रेंज में घूमते रहेगा, और न्यूज़ तो आ सकती है कंपनी की ओर से या SEBI की ओर से। तो अभी तक जब तक कोई नई न्यूज़ आती नहीं है, जब तक थोड़ा सा पेशेंसली वेटिंग करना होगा। मेरा इतना ही कहना है कि ब्राइटकॉम ग्रुप के अलावा काफ़ी अच्छे अच्छे शेयर्स भी है, थोड़ा बहुत पैसा उधर भी लगाइए तो आपका जो थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है वो रिकवर होने की आपको हेल्प हो सकती है। बड़ा आशा करते हैं कि कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आए और शेयर फिर से तेज़ी दिखाए। थैंक यू फ्रेंड्स।